ए बांडिया। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ, बैग नीचे रख, और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? बैग नीचे रखने का। चलो आइए देखते हैं। अब चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा, फिर बाकी चुट्टा वापस लूंगा। ओफो, फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जय वेद प्रसाद। बस ठीक ठीक, बाकी काम तो मैं यूँ चुटकी कर डालूंगा। वो कैसे? मैंने सब कुछ एक पर्ची में लिख के ऐसे जेब में रख लिया है। हाँ वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? बांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। एक बात बताओ, ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है? क्यों तुम्हें क्या? नहीं, अगर वो रास्ते में मिल जाए तो बैग वहीं पकड़ा दूंगा, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अरे तुम जाते हो या नहीं? अरे बैग तो लेते जाओ। ओहो ये बैग भी इतनी भुलक्कड़ है, जहाँ रखता हूँ वही बच जाती। चल ठीक है। और सुनो, पालतू कुत्ते की तरह सिर्फ ये बैग देकर मत लौटा।